हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैंने एक सामान ऑर्डर किया है जो कि मुझे फ़्लिपकार्ट से आज ही डिलीवर्ड हुआ है। और इसे मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था जो कि आज डिलीवर्ड हुआ। और इसके अंदर एक ग्लू गन है। जी हाँ, ग्लू गन है, इलेक्ट्रिक ग्लू गन है जो कि 80 वाट का है। और इसके साथ में मुझे 5 फेज फ्रीज का ग्लू स्टिक भी मिला है। तो आइए इसे अनबॉक्स करके हम लोग देखेंगे कि इसकी क्वालिटी और कैसी इसकी क्वालिटी और इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अभी पैक्ड है, कहीं से ये ओपन हुआ नहीं है। तो और डायरेक्ट मेरे पास ये अभी डिलीवर्ड हुआ है, तो मैं इसे अभी ओपन करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो आइए पहले इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ा पैकेट मुझे मिला है, पर इतनी बड़ी पैकेट की ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, ये रहा हमारा ग्लू गन, आप देख सकते हैं। और इस पैकेट के अंदर अब कुछ भी नहीं है, बस एक बिल दिया गया। वो बिल, ये देखिए बिल है, ये हमारा बिल है। मैंने इसे कॉइन से रिडीम किया था जो कि आपको सुपर कॉइन मिलता है, इसलिए मुझे सिर्फ 49 रुपीज़ ही पेड करना पड़ा। बाकी मैंने सुपर कॉइन से ही पेड कर दिया था पैसे, इसलिए मुझे ज़्यादा इसके लिए चार्जेस लगे नहीं है। 100 रुपीज़, 49 रुपीज़ मैंने पेड किया है, और बाकी के 449 रुपये लगभग, मतलब 500 कॉइन्स मैंने पेड किया है कॉइन के थ्रू। तो ये रहा हमारा बिल, तो इसे मैं ऐड करता हूँ। इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, इसे भी मैं ऐड करता हूँ। अब आइए हम लोग प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। कि आप देख सकते हैं ये तरह से अभी पैक प्लास्टिक में पैक किया गया है, तो मैं इसे भी अभी खोलूँगा। ये देखिए, मैंने इसे ग्रीन कलर में ही ऑर्डर किया था और आया भी है ग्रीन कलर में, तो काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ 5 पीस ग्लू स्टिक मिला है। इस वैसे तो इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा लिखा गया है, 1499 रुपीज़, बट ये इतने का होता नहीं है और मार्केट प्राइस तो खैर काफ़ी और कम का होगा। तो खैर इसके बारे में तो जानना हमें नहीं है। ये देखिए हमारा ग्लू स्टिक है जो कि 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये मुझे 5 पीस में है, तो 5 पीस में मैं इसे यूज़ करूँगा। और ये रहा हमारा ग्लू गन, तो आप देख सकते हैं ग्लू गन 80 वाट का है। और ये 80 वाट का मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि जितना, अगर ये एक एवरेज वाट है, 60-80 वाट का रहेगा तो ज़्यादा जल्दी आपका हीटिंग करेगा और आप यूज़ भी इसको जल्दी कर सकते हैं। वैसे 20 वाट का भी आता है लेकिन वो हीट बहुत ही देर से करेगा, इसलिए मैंने 80 वाट का ही ऑर्डर किया था। तो अब आइए, इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन दिया गया है जिससे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो बताया गया है। तो इसे अनबॉक्स करके इसके अंदर की क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये भी पूरी तरह से अभी पैक ही है, इसे मुझे ओपन करने के लिए लगता कट करना पड़ेगा, तो मैं ब्लेड यूज़ करता हूँ। तो आइए अभी से मैं ओपन करके चेक करता हूँ। ब्लेड तो मिला नहीं, लेकिन मैंने सीजर से ही, चाकू से ही कैसे कट करके निकाल लूँगा। ये रहा हमारा गन, और इसके साथ ये स्टैंड भी दिया गया जो कि स्टैंड, पहले मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। तो पहले आपको एक हुक यहाँ डालना है और एक इसके अपोजिट साइड में, काफ़ी ये हार्ड है। ये देख रहे हैं आप, मेरा ये स्टैंड मैंने फिट कर दिया, जिसे कि आप यूज़ करते समय इसे इस तरह से स्टॉप रख सकते हैं स्टैंड में, ताकि ये नीचे आपका सटे नहीं किसी भी चीज़ पे। तो और ये हमारा ट्रिगर हुआ, और यहाँ ऑन ऑफ का एक बटन दिया गया है। तो आइए इसमें से, और यहाँ पे एक लाइट के लिए इंडिकेटर दिया गया है, और इसे यहाँ से फिट करना है। ये देखिए, इस तरह से हम लोग यहाँ डालेंगे इसको, ये ब्लू स्टिक को, और इसको अंदर तक फिट कर देंगे। आप ट्रिगर दबा के इसे अंदर तक फिट कर लीजिएगा।
ये देखिए मैंने ट्रिगर दबा रहा हूँ, ये अंदर तक चला जाएगा। तो ये पूरी तरह से अंदर तक चला गया है, यहाँ तक आ चुका होगा मेरे ख्याल से। तो अब इसे मैं लाइन से भी कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये मैंने लाइन में इसे कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं इसका लाइट जल चुका है, यानी ये वर्क कर रहा है। ये मैंने ऑफ़ किया, ये मैंने लाइट दिया, तो ये वर्क कर रहा है और ये इस जगह से हीट हो रहा होगा, बट मैं इसे अभी टच करूँगा नहीं। और ये स्टैंड है तो स्टैंड पर रखने के लिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ये फाइबर ऊपर से प्लास्टिक बॉडी दिया गया है और ये आगे वाला नोज़ल आपका मेटल का है, और ये स्टैंड दिया गया है एक, वो भी मेटल का है। बाकी ये पूरी तरह से फाइबर बॉडी है और इसकी वायर भी काफ़ी अच्छा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से इधर भी है, तो कटने उठने की टेंशन नहीं है कि कट जाए। तो आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये बहुत सारे प्रोडक्ट को चिपकाने के लिए, किसी भी तरह के कुछ भी अगर टूट गया हो या कोई फैंसी कुछ डिज़ाइन करना हो तो उस जगह ये चिपकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं ये हीट हो चुका है काफ़ी जल्दी, मैं आपसे ये वीडियो बनाते बनाते मैंने देख लिया कि हीट कर चुका है काफ़ी ये मुझे। और इस बस ग्लू को भी मैंने, ग्लू स्टिक को भी मैंने अंदर डाल ही दिया। तो अब मैं इसके हीट हो जाने के बाद इसका वेट करूँगा और ये इस जगह से ये बाहर से निकलेगा मुझे। ये देखिए हमारा ग्लू गन हीट हो चुका है और इसे हीट होने में करीब मुझे 5 मिनट लगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने इसे हीट किया, इसलिए ग्लू को ये यहीं तक जाता है ना, तो इसे आगे तक आने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट लगा है। बट अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो नेक्स्ट टाइम से मेरे ख्याल से ये 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में ये पूरी तरह से हीट हो जाएगा और यूज़ करने के लिए रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं ये ग्लू मेरा बाहर आ चुका है, आप देख सकते हैं ये ग्लू आ चुका है बाहर और ये यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ, देखिए देखिए इस तरह से बस इसका यूज करते जाना है, जहाँ आपको यूज़ करना है वहाँ ये लगाइए और ये चिपका सकते हैं आप किसी भी चीज़ को। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये हीट भी काफ़ी ज़्यादा किया, जल्दी हो गया है क्योंकि ये 80 वाट का था, इसलिए फर्स्ट टाइम में ये 5 मिनट के अंदर ही ये हीट हो गया और यूज़ करने के लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट टाइम से ये मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर ही ये यूज़ करने के लिए रेडी होगा। तो और अगर इसलिए अगर आप लोग को भी अगर ग्लू गन ऑर्डर करना है तो मैक्सिमम 60 या 80 वाट का ही, 60 या 80 वाट का ही ऑर्डर करेंगे, क्योंकि अगर 20 वाट या 40 वाट का ऑर्डर करते हैं तो उसे हीट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग इससे ज़्यादा होगी। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 60 to 80 वाट का ही ऑर्डर करें ग्लू गन। और अगर आप इस तरह ग्लू गन ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। बाकी और सारे इसके डिटेल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उससे रीड करके आप देख सकते हैं। और अपनी कमेंट्स में जो भी आप क्वेश्चंस हो वो जरूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।